चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव भले ही जेल की सलाखों के पीछे हो मगर बीमार होने के कारण रांची रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। सजा काट रहे लालू यादव चुप नहीं बैठे, चाहे राजनीति हो या ट्विटर, वे देश में सबसे आगे दिख रहे हैं। एक तरफ उनके ताबड़तोड़ ट्वीट ने विरोधियों के होश उड़ा रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी किताब को लेकर हर तरफ उनकी ही चर्चा है। उनकी किताब गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी जल्द ही रिलीज होने वाली है। रिलीज होने के बाद तो यह बाद में अपना जलवा दिखाएगी, मगर रिलीज होने से पूर्व ही नीतीश कुमार के बारे में किताब के कुछ अंश के खुलासों ने लालू यादव को चर्चा का मुख्य केंद्र बना दिया है। इन सब के बीच लालू यादव के साथ एक नुकसान भी हो गई है। जान लीजिए कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सीबीआई ने कोर्ट में मंगलवार को हलफनामा जारी किया है, जिसमें लालू यादव की जमानत याचिका का विरोध किया गया है। सीबीआई की तरफ से दायर किए गए जमानत याचिका में लिखा गया है कि लालू यादव हॉस्पिटल से राजनीतिक गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, ऐसे में उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि लालू प्रसाद की ओर से बीमारी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट जमानत के लिए याचिका दायर की गई, जिसकी सुनवाई बुधवार को अदालत में होने वाली है। लालू यादव को जमानत मिलती है कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हेडलाइंस बिहार के साथ।